और अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर के टीकरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। इस बीच जम्मू से पहले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ने पूरे दल बल के साथ रिसीव किया और फूलमाला पहनाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में दर्शन के रिकॉर्ड। तो कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू के बेस कैंप से आज सुबह रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ घंटों में बालटाल और पहलगाम पहुंच जाएगा। इन दिनों ही जगह से तीर्थयात्री कल यानी कि शनिवार को अमरनाथ यात्रा के लिए चल पड़ेंगे। कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म और कल्चरल डिपार्टमेंट ने भी पूरी तैयारी कर ली है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और पहलगाम के दुकानदार, होटल मालिक सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर वो बैठे हैं। इसमें माना जा रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों का रिकॉर्ड ब्रेक होगा। ये बड़ी खबर जो है ये सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जिससे प्रदेश का पर्यटन उद्योग भी काफी फलेगा फूलेगा। आपको बता दें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो वाकई में एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला आंकड़ा है। डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ के लोग और यहाँ के सब स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सब यात्री आके जम्मू कश्मीर की वार्म्थ, हॉस्पिटैलिटी और इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियोसिटी का लुत्फ उठा सकें।